रविवार को पार्क रोड स्थित एक होटल में रोटरी क्लब गोरखपुर ने भारत नेपाल मैत्री सभा लम्हे का आयोजन किया। सभा का आरंभ भारत और नेपाल से उपस्थित हुए विभिन्न पदाधिकारियों और मुख्य अतिथि मंडल अध्यक्ष रणजीत सिंह, विशिष्ट अतिथिगण के श्रीवास्तव, श्रुति अग्रवाल, किरण लाल श्रेष्ठ नेपाल सहित अन्य अतिथियों का स्वागत करके किया गया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उपस्थित अतिथियों ने अपने अपने विचार को प्रस्तुत किया। क्लब के सचिव प्रवीर आर्य ने आयोजनों के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए बताया कि रोटरी क्लब गोरखपुर द्वारा पहली बार यह आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य सदस्यों के बीच रोटरी और व्यावसायिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रारंभ करना और बढ़ावा देना है। विभिन्न क्लबों से आए अन्य अध्यक्षों ने अपनी गतिविधियों की जानकारी दी, जिसे पदाधिकारियों द्वारा सराहा और स्वीकार किया गया। सभी सदस्यों के लिए रोटरी क्लब क्यू सहित अन्य मनोरंजन खेलों और प्रशिक्षण भी क्लब में किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए क्लब सचिव प्रवीर आर्य ने कहा, हम आपका स्वागत करते हैं और अनुरोध करते हैं कि हमारे योगदान है, उनके योगदान के लिए हम आभारी हैं। अवसर है जो भारत के इस उनके अंदर में जो रोटरी क्लब्स हैं गोरखपुर के अंदर में, बस्ती के अंदर में, फिर आगे बहराइच में और उस तरफ के अंदर में भी जो है वो सारे के सारे जगह के अंदर में रोटरी क्लब हैं, और उन क्लबों का आपस के अंदर में एक सामंजस्य कराया जाए और आगे ये एक रिलेशन बढ़े इसलिए करना चाहते हैं। मैंने कहा कि हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा है, गो अहेड, टेक द परमिशन ऑफ द क्लब और आगे इस काम को बढ़ाइए। और इस तरीके से इस कॉन्फ्रेंस का एक कॉन्सेप्ट जो है वो सामने आया। फिर प्रवीण ने कहा कि मुझे दो अच्छे स्पीकर्स जो है वो भैया अरेंज करके दीजिए, तो मैंने अपने हनुमान को फोन किया, क्योंकि रोटरी के अंदर में पर्सनल उसमें और प्रोफेशनल उसके अंदर में मैं और प्रदीप एक दूसरे के हनुमान हैं। जब कभी जरूरत होती है तो मैं उन्हें कॉल करता हूँ, जब प्रदीप को जरूरत होती है तो मुझे वो कॉल करते हैं। तो मैंने कहा कि मुझे दो स्पीकर जो है वो तुम अरेंज करो। तो 15-20-25 दिन पहले वो हैदराबाद के अंदर में अपनी ट्रेनिंग के अंदर में थे, वहाँ पे उन्होंने तुरंत बात करके और पीडीजी अजय को फाइनल किया। उसी समय उन्होंने कहा कि जो है वो मैंने उन्हें से जो है वो मोहन से भी बात कर लिया, तो मैंने प्रवीर को फोन किया कि तब तक प्रवीर ने मुझे बताया कि इतने लोगों का नाम हमारे पास एज ए पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, एज ए डी जी, एज ए डी जी एन डी, एज ए डी जी एन आ गया है। तो मैंने कहा तुम्हारा टाइम कैसे एडजस्ट होगा, एंड अजय गुप्ता इज हियर, उनकी अभी प्रेजेंटेशन आपके सामने होगा, एंड इस तरीके से ये कॉन्फ्रेंस आपके सामने है। आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन बिहाफ ऑफ करने की हम लोगों की योजना है कि अगले साल इस तरीके का कॉन्फ्रेंस नेपाल के अंदर में हो। नेपाल के साथियों को मैं कहूँगा कि अगले साल जो है वो टाइगर रिसोर्ट के अंदर में इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज। थैंक यू भैया, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रंजीत सिंह जी, इनकमिंग रोटरी डिजिटल आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स Why our membership is tiny, you know, 1.2 millions, no? This is who we are as a Rotarian. So friends, so as a Rotarians, we are very honest and promote and practice ethical behavior. Okay. See, this more than 200 Rotarians join Rotary, and every year about 200 Rotarians daily Rotary. Our national interest, it says, you know. So friends, I quote some quotations here. Mahatriyara, you know the Mahatriyara, the spirit. हर दिन होती है, हर समय हर इवेंट वो मेरे को शेयर करते थे, पर उनसे हम आज मिले नहीं। आज पहली बार इस हॉल में हम उनसे मिले, तो ये है हमारा रोटरी का फ्रेंडशिप और फेलोशिप स्पिरिट। जब मुझसे ये बात कर रहे थे, बता रहे थे कि हम ऐसा करें, तो हमने ऐसे ही कहा कि मजाक में, आपके नेबर में हम भी रहते हैं, हर जब हमको याद करते इसमें आप भूल गए। उन्होंने तुरंत, नहीं मैडम हम तो आपको फोन ही कर रहे थे, ये था उनका उत्साह। तो इसके सिलसिले में हम सिर्फ इतना ही कहते हैं कि हम रोटेरियन वो नहीं है जो गम में आपको छोड़ देते हैं, हम रोटेरियन वो नहीं है जो आपसे नाता तोड़ देते हैं, हम तो वो है कि अगर आपकी सांसें खत्म हो जाए तो अपनी सांसें आप में जोड़ देते हैं।
माय फ्रेंड्स, दिस इज रोटरी दैट पॉल हैरिस हैज सेड दैट रोटरी द फाउंडेशन स्टोन ऑफ रोटरी वाज फेलोशिप. वी ऑल आर रेडी टू लेंड आवर हैंड्स, नोइंग ईच अदर, अनोइंग ईच अदर. स्टिल व्हेन यू गिव योर कॉल टू एनी ऑफ द रोटेरियंस, वी ऑल आर देयर टू सर्व. वी ऑल डू मेनी प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम करते हैं, सर्विस प्रोजेक्ट्स करते हैं, अपना जी जान सब लगा देते हैं. बहुत सारे टाइम्स हम लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं, कोई कोई प्रोजेक्ट्स में आंख में आंसू आ जाते हैं. वी स्पेंड आवर मनी, टाइम, एनर्जी, एवरीथिंग. बट आप भी हमें एक बात बताइए कि जब हम फेलोशिप इवेंट की बात करते हैं तो लोगों के चेहरे पे एक अलग सी झलक दिख जाती है. ये एक ऐसा व्हीकल है फेलोशिप इवेंट्स, इस टाइप का कॉन्फ्रेंस, जो कि रोटेरियंस और उनके फैमिलीज को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाता है. इस फेलोशिप इवेंट के थ्रू हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, रोटेरियन स्पाउसेस के पर्सनालिटीज को पहचानते हैं, रोटरीलेट्स की जितनी भी उनकी इनर टैलेंट है उसको भी हम लोग जानते हैं. आज सुबह जब हम आए यहाँ, आप सबसे हेलो कहा, हैंडशेक किया, पर ऐसा नहीं है कि हाथ मिला के हम लोग भूल जाते हैं. रोटरी में हाथ मिलाने का मतलब है कि हम अपने आप को आपके साथ हाथ जोड़ दिए हैं और दुनिया को ये दिखाने के लिए हम खड़े हैं कि हम आपके साथ हैं, हम दुनिया के किसी भी सिचुएशंस को फेस करने के लिए तैयार हैं. और ये हमारी रोटरी की स्ट्रेंथ है, ये हमारे रोटरी का परिवार है, ये हमारी रोटरी की फैमिली, विच इज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ रोटरी. सर, ये इंडो नेपाल रोटरी फेलोशिप कॉन्फ्रेंस है जिसमें रोटरी के जो क्लब है भारत और नेपाल उनके आपस में बहुत बढ़िया सामंजस्य, जिसके समाज के लिए, मानव को मानवता के लिए हम क्या अच्छे अच्छे कार्य कर सकते हैं दोनों देश के रोटरी क्लब मिलकर के, उसी उद्देश्य से यहाँ एक कार्यक्रम रखा गया इंडो नेपाल रोटरी फेलोशिप कॉन्फ्रेंस, जिसे 100% सक्सेस है. नेपाल से करीब 40 डेलीगेट्स यहाँ पे आए हैं, पोखरा से, काठमांडू से, भैरवा से, बुटवल से, लुमिनी से, सेंट्रल लुमिनी से, हर जगह से लोग यहाँ आए हैं. गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, बलरामपुर, बहराइच, मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, हर जगह से रोटेरियंस यहाँ आए हैं और 100% सक्सेसफुल कार्यक्रम है. हम लोग कुछ नए उस पर विचार करेंगे, जैसे कि समाज को हम लोग में हम रोटरी के साथ मिल करके कुछ अच्छे अच्छे कार्य कर सकें सोसाइटी के डेवलपमेंट के.